नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम के बारे में, जब फॉलोवर मूव करे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। सबसे पहले तो जान लेते हैं जो फॉलोवर है हमारा किस तरह का होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो नाइफ एज फॉलोवर हमने यूज किया है और इस तरह की कैम हमने यूज की है। जब कैम यहाँ पर रोटेट करती है तो फॉलोवर यहाँ पर अप और डाउन मोशन करता है, यानी कि इसी के पाथ को ट्रेस कर रहा है। जिस तरह की कैम है तो उस हिसाब से अप और डाउन मोशन कर रहा है, तो ये कैम और फॉलोवर होते हैं। अब फॉलोवर जब मूव करे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो वो चीज हमें लेनी है, वो चीज हमें समझनी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं। इसको हम इस तरह के मोशन से रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया और यहाँ पर उसके एक्सिस ले लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, और एक पार्टिकल ले लिया। अब ये पार्टिकल जब इस सर्कुलर पाथ में घूमता है, इस सर्कुलर पाथ में मान लीजिए इस तरह से घूम रहा है, और इसकी प्रोजेक्शन को अगर हम वर्टिकल एक्सिस पर लेते हैं, जैसे यहां से इसने स्टार्ट किया, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर मान ले, ये फर्स्ट पॉइंट मान ले, अगर यही पॉइंट हमारा यहाँ पर होता, यानी कि इस तरफ जा रहा है इस तरफ, तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गई। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगह आप ले सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको वाइड मेजर पोर्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ गया थर्ड पोजीशन, ये मान लेते सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, और यहाँ पर आ जाता है मान लीजिए इसकी प्रोजेक्शन ये आ गई, तो फोर्थ पोजीशन ये आ गई। अब हमें क्या लग रहा है कि ये जो पॉइंट है, इसकी जो प्रोजेक्शन है, जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये पार्टिकल, तो इसकी प्रोजेक्शन हमें ऊपर की तरफ मिल रही है, यानी कि हमें लग रहा है कि ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अगर ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ जाता है इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ जाता है इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गई। अब हमें लगेगा कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, आप इस सर्कुलर पाथ में जो ये पार्टिकल घूम रहा है उसके थ्रू ये दिखा सकते हैं। ये आप समझ गए, जैसे कि आप एक पेंडुलम को ले लें, इस तरह से एक स्ट्रिंग से एक बोब को बांध दिया और ये इस तरह से ये ओसिलेशन कर रहा हो, इस तरह का मोशन की बात कर रहे हैं, इस तरह की मोशन की बात। तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्शन थी अप और डाउन इस तरह से आ रही थी, वो इसी तरह का मोशन हमें दिखा रहा था, यानी कि इससे हम इसको रिलेट कर रहे हैं। तो आप समझे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो ये जो चीज है इससे हम रिलेट कर रहे हैं और इसी का हमें यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पर इसके जो पार्टिकल की स्टार्टिंग पोजीशन की बात करें, तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो है ग्राफ बनाना है, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। तो यहां पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो यहां पर देखिए, अगर हम इसको मान लेते हैं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसका पूरा जो स्ट्रोक S मान लेते हैं, S कितना है ये, इसके डायमीटर के बराबर हम मान लेते हैं, डायमीटर के बराबर हमने इसको मान लिया, मान लीजिए स्मॉल d मान लेते हैं, S इक्वल टू जो है d है, या d इक्वल टू डाया कह लीजिए आप, S आपने ले लिया स्ट्रोक। और अगर हम इसके हाफ की बात करें, यहां से यहां तक, यहां पर आप O ले लें और यहां पर A पॉइंट ले लें। अब यहां से यहां तक की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा s by 2, क्योंकि टोटल s है तो ये हाफ होगा उसका s by 2, तो ये s by 2 हो गया। और ये जो s by 2 है यहां पर, इसकी ये हमने पोजीशन ली है, तो ये भी कितना होगा, ये भी s by 2 ही होगा, ये भी s by 2 होगा। और यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर गिरा लें इस तरह से, यानी कि इसकी प्रोजेक्शन हम यहां पर ले रहे हैं, यहां पर ये प्रोजेक्शन ले लें और यहां तक का डिस्टेंस मान लें, यहां से यहां तक का ये वाई है, तो ये जो चीज है ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी कि ये जो पार्टिकल है जब घूम रहा है इसकी प्रोजेक्शन हमने ली, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें इस वर्टिकल एक्सिस पे तो मिल रहा है पूरा, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वाई हो गया। तो चलिए इस वाई को निकालते हैं। अब देखिए ये एस वाई टू है और ये हम एंगल ले लेते हैं सेंटर से, इसने मान लीजिए थीटा एंगल लिया है जब ये इस पोजिशन पर पहुंचा है पार्टिकल, यहां से यहां पहुंचा तो इसने थीटा एंगल लिया। तो अगर ये s by 2 है तो ये जो इसका कंपोनेंट है ये वाला, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, s by 2 cos थीटा, क्योंकि थीटा के बिल्कुल साथ वाला s by 2 cos थीटा और सामने वाला s by 2 sin थीटा होगा, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है s by 2 cos थीटा होगा। ये क्लियर है हमारे पास। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को निकालना चाहते हैं y की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, मान लीजिए p मान लेते हैं, जो इसकी प्रोजेक्शन हमने ली, p से ले लिया हमने, तो y किसके बराबर होगा, ओ ए माइनस ओ पी, इसी के बराबर होगा, ओ ए माइनस ओ पी के बराबर होगा, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस था उसमें से ओ पी घटा दें तो ये y हमारे पास बचेगा, इस पोजीशन पे एट इंस्टेंट पे
इस क्षण पे जब पार्टिकल यहां पर है। अब ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए है हमारे पास एस बाय टू, यही है टोटल डिस्टेंस, और ये कितना है ओपी एस बाय टू कोस थीटा, तो इसको हम लिख देते हैं एस बाय टू कोस थीटा। तो ये आ जाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस बाय टू माइनस एस बाय टू कोस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास रिलेशन आ गया। अब यहां पर हमें वेलोसिटी को निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम हमें पढ़ने हैं, तो ग्राफ की बात कर रहे हैं किस तरह के बनेगा। तो वाई के लिए हमारे पास ये आ गया, यानी कि वाई जो है फंक्शन थीटा का बन गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो फंक्शन थीटा का बन गया। अब यहां पर वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास डी वाई बाई डी टी होगी। डी वाई बाई डी टी है तो यहाँ पर हमें पता है वाई जो है फंक्शन थीटा का है, तो वेलोसिटी के लिए अगर हम इसको निकाले तो डी वाई बाई डी थीटा, डी थीटा से ही मल्टीप्लाई कर दें और डी थीटा से ही डिवाइड कर दें, तो d थीटा बाई डी टी हमने अलग कर लिया, dy वाई बाई डी थीटा अलग कर लिया। अब d थीटा बाई डी टी हमारे पास क्या होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ओमेगा dy वाई बाई डी थीटा, यही आई। अब y की वैल्यू a है, यानी कि इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें dy वाई बाई डी थीटा जो हमने ली है, तो यहां पर डिफ्रेंशिएशन कर दें तो इसका ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस साइन यहाँ है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आ गया एस बाय टू साइन थीटा, यही आ गया। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास ओमेगा एस बाय टू साइन थीटा। तो वेलोसिटी हमने देखा कि ये जो है साइन थीटा के जो इक्वल आ गई यहाँ पर ओमेगा एस बाय टू साइन थीटा के। अब यहाँ पर साइन आ गया। अब इसी तरह से एक्सेलरेशन की बात कर लें, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv by dt, यही होगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन को भी थीटा के रूप में हम लिख लेते हैं, जैसे यहां पर हमने वेलोसिटी को लिखा था, यानी कि dv by d थीटा इनटू d थीटा by dt। अब d थीटा by dt फिर से हमारा ओमेगा हो गया, ओमेगा आ गया। ये फॉर्मूले क्यों पढ़ रहे हैं, इससे ग्राफ का पता चलेगा, जैसे वेलोसिटी का जो ग्राफ है साइन कर्व होगा, यहां पर ये दिखाया गया है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का देख लेते हैं, एक्सेलरेशन में ये आ गया हमारे पास। अब dv by d थीटा हमें करना है, यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ओमेगा बाहर आ गया और यहां पर देखिए ओमेगा s by 2 sin थीटा है, तो यहां पर भी ओमेगा आ गया हमारे पास अगर इस रिलेशन से देखें, और यहां पर into s by 2 और sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहां पर हमारे पास ये क्या आ गया ओमेगा into ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर s by 2 cos थीटा। एक्सेलरेशन के लिए जो हमारे पास रिलेशन आई ये है, तो यहाँ पर हमें ग्राफ का पता चलता है कि वेलोसिटी के लिए साइन कर्व हमें मिलेगा, एक्सेलरेशन के लिए हमें कोस कर्व मिलेगा। अब ये है क्या, जो सिनसोइडल कर्व की बात करें या कोस जो कर्व है हमारे पास, ये है क्या, तो वो जान लेते हैं एक बार। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करें, हमने ये रिलेशन पढ़ी थी पहले ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, उसके लिए हमारा जो कर्व आता था अगर हम दो एक्सिस लें तो इस तरह का साइन कर्व हमारे पास होता था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या होता था हमारा एम्पलीट्यूड पूरा, तो इस तरह का साइन कर्व हमारे पास बनता था जीरो पे पाई बाई टू पे पाई पे इस तरह से। और इसी तरह से अगर हम कोस कर्व की बात करें, तो अगर हम इसी को वाई को इस तरह से लिख लें ए कोस ओमेगा टी इस तरह से लिख लें, तो हमारा कर्व यहाँ पे देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर कोस के लिए हम बात करें तो ये हमारा इस तरह से स्टार्ट होगा, ये हमारा इस वैल्यू से स्टार्ट होगा, यहां से मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वहां से। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर ये ओमेगा टी है, इसकी जगह थीटा ले लीजिए आप, यहां पर भी थीटा ले लीजिए, थीटा अगर यहां पर जीरो होगा तो वाई जीरो होगा, तो यहां से स्टार्ट हुआ। यहां पर अगर थीटा जीरो होगा, इसको जीरो लिखेंगे तो कोस जीरो वन हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू ए है, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा, तो ये कोस कर्व है हमारे पास। तो इस तरह से देखें, जब ये जीरो होगा तो ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये जीरो होगा, तो यहां पर ये जीरो ये मैक्सिमम, और यहां पर ये मैक्सिमम ये जीरो, नीचे की साइड देखें तो ये जीरो, तो इसी तरह से यहां पर ये जीरो ये मैक्सिमम। तो इस तरह से ये ग्राफ होते हैं बिल्कुल उल्टी इनकी वैल्यू होती है, अगर ये जीरो होता है तो ये हमारा वन होगा मैक्सिमम की बात करें इसमें। तो ये हमारे पास साइन कर्व और कोस कर्व हमने देख लिया कि साइन कर्व इस तरह से बनेगा, जो हमने वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकाला था, कोस कर्व जो है वो हमने एक्सेलरेशन के लिए निकाला था, वो चीज अभी हमने देखा था ना, ये जो हमने रिलेशन देखे हैं वेलोसिटी के लिए ये आया था, एक्सेलरेशन के लिए ये आया था, तो आप कर्व जो है बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा।
तो सबसे पहले जो भी आपको स्ट्रोक दिया होगा, जैसे इसके अंदर हमने देखा था ये जो स्ट्रोक है, ये जो डायमीटर दिया होगा उसके बराबर आपको एक लाइन लगा लेनी है वर्टिकल, इस तरह से जितना भी आपको स्ट्रोक दिया होगा या डायमीटर। अब यहां पर इसके सेंटर से, या कहें कि इसके सेंटर से रेडियस ले लें या पूरे को डायमीटर मानकर एक हेमी सर्कल आप लगा लेंगे, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, या बीच में आप यहाँ पर डिवाइडर को रखेंगे और यहां से यहां तक एक हेमी सर्कल लगा लेंगे। अब इस हेमी सर्कल को आप इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, चार में कर सकते हैं, छह में कर सकते हैं, आठ में कर सकते हैं, दस में कर सकते हैं, इवन नंबर में करना है। जितने ज्यादा पार्ट होंगे उतना अच्छा हमारा प्रोफाइल कर्व बनेगा। तो हम मान लीजिए कम से कम आठ में तो हम इनको करेंगे ही, तो यहाँ पर हम इसको आठ पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 और इसी तरह से फोर ऊपर है, आठ पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेंगे इस तरह से, और ऊपर से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और इस तरह का एक ब्लॉक बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें एंगल दिए होंगे, हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो होता है थीटा ओ और एक होता है थीटा आर। अब जो थीटा ओ एंगल होता है ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक, आउट स्ट्रोक जब फॉलोवर है ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये होता है थीटा आर हमारे पास रिटर्न स्ट्रोक के लिए, जब जो फॉलोवर है नीचे की तरफ आ रहा है रिटर्न कर रहा है। और इसी तरह से ओमेगा को आप ले लेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी है कैम की रेडियन पर सेकंड में, एस हमारा हो जाता है जो हमने ये स्ट्रोक लिया। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए, थीटा ओ थीटा आर ओमेगा और एस। अब जितना भी थीटा ओ आपको दिया होगा, जितना भी एंगल आपको दिया होगा, आप उसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ये क्या है हमारे पास थीटा ओ हमारे पास, इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे। अब जितने हिस्सों में हमने इस हेमी सर्कल को डिवाइड किया है उतने ही हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। अगर हमने हेमी सर्कल को आठ हिस्सों में डिवाइड किया है, इसी तरह से इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ हिस्सों में इसको भी डिवाइड कर लेंगे। और यहां से जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन पॉइंट से पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लगा लेंगे इस तरह से। हमने क्या किया, ये जो पॉइंट्स थे इनसे हम पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, जो इनको जो वर्टिकल लाइन थी इनको काटेंगे। अब जैसे एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट इससे काटा, ये जो थर्ड है ये इससे काटा, इस तरह से ये जहां जहां पर पॉइंट मिलेंगे हम वो पॉइंट लगा लेंगे। इसी तरह से जो रिटर्न स्ट्रोक के लिए है वो भी हम बना लेंगे, और वर्टिकली इनकी भी लाइन जो है उतने ही हिस्से हम इसके बनाएंगे जितने इसके बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ ही इसके हम बनाएंगे। बस यहाँ पर फर्क क्या पड़ जाएगा, ये थोड़े हमारे जैसे वाइड हैं थोड़े, तो ये थोड़े नैरो होंगे, क्योंकि अगर एंगल के ऊपर है, जैसे थीटा अगर ज्यादा है थीटा आर कम है, तो हिस्से बराबर करने हैं, तो इस तरह से आपने यहाँ पर भी कर लिए। अब जो ये पॉइंट जो है, जैसे ये यहाँ पर मिला, ये यहाँ पर मिला, ये यहाँ पर इसको कट कर रहा है, इसी तरह से यहाँ पर भी हम पॉइंट से लगा लेंगे, और बीच में हो जाएगा जो कि ड्वेल पीरियड है, जहां पर हमारा ना तो राइज हुआ ना रिटर्न हुआ, ड्वेल पीरियड है। तो वो चीज, तो यहां पर हमने पॉइंट लगा लिए, इस तरह से हमें मिलेंगे, और यहां पर भी हमें इस तरह से पॉइंट मिल जाएंगे जो हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कट करेंगी। अब इनको हम मिला देंगे तो इस तरह का कर्व हमें मिलेगा, इनको हम मिला देंगे इस तरह का कर्व मिलेगा। तो यहां पर ये जो ग्राफ हमारे पास बनेगा, ये हमारा अभी ये कर्व मिला और ये कर्व मिला, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो है वो बनेगा। ये आपको समझ आएगी किस तरह से बनाना है। अब इसी के लिए हमें वेलोसिटी का जो डायग्राम बनानी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्शन जो है नीचे ले लेनी है थीटा ओ की, जो ड्वेल पीरियड है और रिटर्न की, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है जिसके ऊपर हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। अब वेलोसिटी जो थी हमारे पास डायग्राम किस तरह की बनेगी, वेलोसिटी के अंदर हमने क्या देखा था, वो साइन कर्व हमारे पास बनेगा ये चीज। तो यहाँ पर अगर हम थीटा ओ के लिए देखेंगे तो इस तरह का बनेगा हमारे पास, और थीटा आर के लिए देखेंगे तो इस तरह का हमारे पास कर्व बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है यहाँ पर, ये हमारे पास इतनी जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी हमारे पास। तो आप इसको लिख लीजिए कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये कह लीजिए। इसी तरह से किसके लिए है ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, जब थीटा ओ एंगल के लिए, जब राइज हो रहा है। इसी तरह से अगर हम ये मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें, ये जो है हमारे पास ये मैक्सिमम वेलोसिटी किसके लिए हो जाएगी,
जो आर वी आर लिख लेंगे रिटर्न के लिए हो जाएगी। ये क्या है हमारे पास साइन कर्व हमें मिला, ये समझ गए। तो ये वेलोसिटी डायग्राम बनेगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं और फिर से कुछ यहाँ पर जैसे जो मैक्सिमम वाले हमारे पॉइंट है वहां से प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो हमारा कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन का कोसाइन कर्व बनेगा, ये जो रिलेशन से हमने निकाला था। कोसाइन कर्व का मतलब है जैसे यहाँ जीरो था साइन कर्व, यहाँ पे ये इस तरह से स्टार्ट होगा। अब ये मैक्सिमम है तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो है तो यहाँ मैक्सिमम होगा। तो ये थीटा ओ के लिए इसके लिए बनेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी क्या होगी, यहाँ से ये जो है ये हमारी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी। तो ये होगी मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके लिए, जो कि थीटा ओ है जहां पर ये राइज कर रहा था फॉलोवर। इसी तरह से इसका बिल्कुल उल्टा जो ग्राफ है हमारा थीटा आर के लिए यानी कि जो रिटर्न के लिए इस तरह से बनेगा। तो यहां पर ये जो होगी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये किसके लिए होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन रिटर्न के लिए होगी। तो इस तरह से जो हमारा एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन डायग्राम है, ध्यान रखना है ये वेलोसिटी डायग्राम है। इसकी प्रोजेक्शन लेकर ही हम इसको बना सकते हैं, जो इसकी प्रोजेक्शन लेकर वेलोसिटी का और वेलोसिटी की प्रोजेक्शन लेकर एक्सेलरेशन का डायग्राम हम बना सकते हैं। इसके लिए साइन कर्व बनेगा और इसके लिए ये कोसाइन कर्व बनेगा, जैसा कि हमने रिलेशन में देखा। तो ये तीनों ग्राफ आपके समझ आ गए, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर एक और चीज हम समझ लेते हैं, जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जो हमारे फॉर्मूला है उनके लिए समझ लेते हैं, एक और रिलेशन हम समझ लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हैं, तो अभी हम इनको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम टाइम की बात करें, जो टाइम रिक्वायर्ड है आउटस्ट्रोक के लिए, आउटस्ट्रोक कहाँ से कहाँ तक होगा। अब देखिए, ये कंप्लीट हमने स्ट्रोक माना था, ये कंप्लीट एस माना था, आउटस्ट्रोक हम मान रहे हैं यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक एंगल कितना है हमारे पास, पाई एंगल होगा, ये 180 डिग्री का एंगल होगा। और यहां से यहां तक एंगल ये क्या है हमारे पास, रेडियस है, जो कि s बाय 2 के बराबर है। अब यहां अगर हम टाइम की बात करें, टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउट स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवरिंग सेकंड, पूरे आउट स्ट्रोक की बात करें, यहां से लेकर जब ये पॉइंट ये फॉलो कर रहा है पाथ सर्कुलर सेमी सर्कल का पाथ, यहां तक पहुंच जाए, पूरा यहां तक पहुंच जाए, तो हम इसको लिखेंगे जो टी ओ है वो हो जाएगा हमारे पास थीटा ओ बाय ओमेगा। थीटा ओ क्या है, जो हमारे पास एंगल था, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था कैम का ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक वो चीज, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसके बराबर होगा। ये क्या कर रहे हैं हम, फॉर्मूले निकाल रहे हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे डायरेक्टली। अभी तो हमने ग्राफ के लिए देखा था साइन कर्व कोस कर्व किस तरह से होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए, अब ये फॉर्मूले डायरेक्टली वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। अब हमने ये निकाला टाइम जो रिक्वायर्ड है। अब यहां पर हमने माना कि ये जो पॉइंट है हमारा यहां पर पहुंच गया, मान लीजिए पी पोजिशन पर पहुंच गया ये जो हमारा पार्टिकल था। तो अब यहां पर अगर हम बात करें पेरिफेरल स्पीड की, अगर हम यहां पर इसकी स्पीड देखें वीपी होगी, इस तरफ वीपी, तो पेरिफेरल जो स्पीड है इसकी हम बात करें तो वो हमारे पास कितनी होगी। अब इसकी प्रोजेक्शन यहां पर ले लेते हैं, इस पे वर्टिकल एक्सिस पे इसको हम पी डैश मान लेते हैं। तो अगर हम यहां पर वीपी की वैल्यू को निकालें, वीपी की यानी कि पेरिफेरल स्पीड की, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम, यही होती है हमारे पास फॉर्मूला वेलोसिटी का। यहां पर डिस्टेंस क्या है, ये पूरा इसने यहां से यहां तक पूरे आउटस्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो ये पाई है हमारे पास और ये आर है यानी कि जो एस बाय टू है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पाई एस बाय टू, यही आएगा क्योंकि पूरा टू पाई आर है। अब इसको ध्यान से समझिए, पूरा टू पाई आर है, हम सिर्फ आधे की बात कर रहे हैं, आधे की बात कर रहे हैं यानी कि हाफ इंटू टू पाई आर की बात की जा रही है, पाई इंटू आर की बात, इतना डिस्टेंस ये हमारे पास होगा यहां से यहां तक। तो डिस्टेंस बाय जो टाइम है, टाइम कितना है टी ओ, तो हम ले लेंगे 1/TO। अब इस टी ओ की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, जो टाइम है तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई एस बाय टू, और टी ओ की वैल्यू थीटा ओ बाय ओमेगा है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास ओमेगा ओ ओमेगा बाय थीटा ओ। ये हमारे पास पेरिफेरल जो स्पीड है उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें फॉलोवर की इसी आउटस्ट्रोक के लिए, तो वो हमारे पास कितनी आ गई, एक तरह से अगर हम बात करें यही हमारे पास वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो वी मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, चाहे आउटवर्ड स्ट्रोक के लिए कह लें, चाहे पेरिफेरल वेलोसिटी के लिए कह लें, वीपी कह लें, वीओ कह लें या वी मैक्स कह लें, तो ये आउटवर्ड स्ट्रोक के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी
पाई एस बाई टू और इन टू ओमेगा बाई थीटा ओ, ये इसके बराबर आगे वी मैक्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने ये निकाला है। इसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर आप देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास लग रही होगी जो कि इसको अपनी तरफ खींच कर रखेगी जिससे कि ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, तो एपी हमने लिखा जैसे पॉइंट पी हम ले रहे हैं, तो एपी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वी पी का स्क्वायर है और डिवाइड में जो ओपी है, ये चीज हो जाएगी ओपी, ओ से पी तक ये चीज, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाय आर होती है ना, तो यहां से ये रेडियस है ओपी हमने इसलिए ली। अब वी पी का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमने जो ये वैल्यू निकाली थी तो हम यहाँ लिख लेते हैं पाई ओमेगा एस बाय टू थीटा ओ, इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास इनटू जो ओपी है, ओपी कितना है हमारे पास, इसको हम लिख देंगे डिवाइड में है ना ओपी, तो टू बाय एस लिख देंगे। वैसे ओपी क्या है हमारे पास, ये पूरा एस था तो ये एस बाय टू था, रेडियस है ना तो पूरा डायमीटर एस है तो ये एस बाय टू होगा, तो इसको टू बाय एस हमने लिख दिया। तो यहां पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई स्केयर ओमेगा स्केयर एस और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए टू का स्केयर फोर हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टू थीटा ओ का स्केयर आ जाएगा, थीटा ओ का स्केयर यहाँ टू से टू जो है, यहाँ टू का स्केयर फोर था तो टू टू से फोर, और एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो इसलिए यहाँ ऊपर एस लिखा है। तो ये पूरा सोल्व करके एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी आप इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं जो ए मैक्स होगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल में आप यूज करेंगे। अब इसी तरह से अगर आप, ये तो हमने निकाली है आउटवर्ड जो स्ट्रोक था हमारा, आउट स्ट्रोक था, रिटर्न स्ट्रोक के लिए निकालें तो सेम यही वैल्यू हमारे पास आएगी, बस थीटा ओ की जगह थीटा आर आ जाएगा, यानी कि वी आर की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी पाई ओमेगा एस डिवाइड में टू, यहां पर क्या था पाई एस, पाई ओमेगा एस बाय टू ये थीटा ओ था, ये थीटा आर हो जाएगा, ये वी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह से अगर हम ए आर की वैल्यू को लिखें तो वो हो जाएगी पाई स्केयर ओमेगा स्केयर एस और डिवाइड में टू थीटा आर का स्केयर, ये हो जाएगी, यानी कि थीटा ओ के जगह बस थीटा आर आ जाएगा, और दोनों के रिटर्न के लिए और वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम के लिए एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूले आ जाएंगे फॉलोवर के लिए, तो ये आउटस्ट्रोक के लिए और रिटर्न स्ट्रोक के लिए। तो इस तरह से भी आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कर लीजिए, वो ग्राफ हमने बनाने के लिए यूज किए थे और ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल में हमने इसके थ्रू समझे कि किस तरह से फॉर्मूले हमारे पास आए हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।